हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? मेंढक, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, बताओ। यानी ऐसा कौन सा जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है, बताओ क्या होगा? तो इसका माया आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मछली। क्या हो जाएगा? मछली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। चेन्नई में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, बताओ क्या होगा? तो गाइज हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक। क्या हो जाएगा? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व की किस नदी में हमेशा गर्म यानी हमेशा गर्म रहती है, बताओ। नील नदी, गोदावरी नदी, अमेजन नदी, ताप्ती नदी, बताओ क्या होगा? तो गाइज जो आपकी विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो हमेशा गर्म रहती है, तो ये आपकी रहती है नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ठीक है। आगे चलते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेनिस, पोलो, थैवलिन थ्रो। तो जो आपका नीरज चोपड़ा है इसका संबंध किस से है, इसका संबंध है थैवलिन थ्रो, ठीक है। यानी जो भाला फेंकते हैं इसी को हम थैवलिन थ्रो कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में पहली बार जनता का कर्फ्यू कब लगाया गया था? यानी भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 20 अप्रैल 2021, 20 मार्च 2020, 25 जून 2019, 22 मई 2020, बताओ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च 2020 को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। विश्व में सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जापान, बताओ। यानी विश्व में संसार में सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है, तो ये आपकी सऊदी अरब में चलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2012 में। जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर या व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस को, पेसल को, रॉबर्ट हुक को, हेरोदोटस को। जो भू आकृति विज्ञान है इसका जन्मदाता किसे मानते हैं, तो ये हम पेसल को मानते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 5 मई को, 14 अप्रैल को, 25 दिसंबर को, बताओ। तो गाइस इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई को, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? जापान, अमेरिका, रूस, बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो इसका हो जाएगा रूस, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चंद्रमा पर मानव भेजने का प्रथम देश कौन सा है, यानी चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ इसका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई, 1983 ईस्वी में, 1980, 1976, 1986। जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1980 में, ठीक है। आगे चलते हैं, सोनिया मिर्जा निम्न में से किस खेल के लिए चर्चित है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लाल टेनिस, बास्केटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल टेनिस। क्या हो जाएगा? लाल टेनिस सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, खो खो खेल में कितनी कोर्स लाइन्स होती है, 6, 7, 8, 10। तो खो खो खेल में कितनी कोर्स लाइन्स होती है, तो ये आपकी होती है 6, 8 होती है 8, ठीक है, 8 याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय आग का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या आपका डॉक्टर एनी बेसेंट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो WTO की फुल फॉर्म बताओ पहले तो मुझे, क्या होगी, क्या बताना, WTO की फुल फॉर्म, ठीक है, जेनवा में, न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में, शिकागो में। तो WTO है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन ए, जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत देश के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, उत्तर प्रदेश, मेघालय, गोवा, गुजरात। अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, गंगोह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये भी हमने करवा दिया है, जिस वीडियो में हमने प्रमुख लोक नृत्य करवाए हैं उस वीडियो में इसको भी हमने डिस्कस किया था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का, ठीक है। गंगोह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।